क्वेश्चन नंबर 20। ए फ्लाइट इज अवेलेबल फॉर अ गिवन ड्यूरेशन एंड देन अगेन मेड अनअवेलेबल द बायोसिंथेटिक प्रोसेस विल। तो लाइट दी है, एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के टाइम पे लाइट अवेलेबल थी, देन उसके बाद लाइट नहीं थी, तो उससे जो बायोसिंथेटिक फेज है उसमें क्या होगा। तो अगर हम बात करें लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन के बारे में, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन, डार्क रिएक्शन को ही क्या बोला जा रहा है, बायोसिंथेटिक फेज, बायोसिंथेटिक फेज। तो जो लाइट रिएक्शन है वो कंप्लीटली लाइट पर डिपेंडेंट है, सो इट इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन लाइट, डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन लाइट। और जो डार्क रिएक्शन है वो लाइट पर डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं है, वो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स पर डिपेंडेंट है। तो जो डार्क रिएक्शन है इट इज लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, लाइट इंडिपेंडेंट। तो लाइट इंडिपेंडेंट है तो ये किस पे डिपेंड कर रही है, डिपेंड्स ऑन प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन, डिपेंड्स ऑन प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन, जो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स हैं उस पर ये डिपेंड कर रही है। तब हुआ क्या, लाइट रिएक्शन हुई, लाइट रिएक्शन से बनेंगे दो प्रोडक्ट्स, एक बनेगा एटीपी और एक बनेगा एनएडीपीएच2। ये दोनों प्रोडक्ट्स फिर यूज किए जाएंगे डार्क रिएक्शन में टू सिंथेसाइज फूड। अब मान लेते हैं कि लाइट एनर्जी थोड़े समय के लिए प्लांट को दी तो ये दो प्रोडक्ट्स तैयार हो गए। अब उसके बाद जो है, ये जो प्रोडक्ट्स तैयार हुए हैं ये दोनों प्रोडक्ट्स यूज हो जाएंगे डार्क रिएक्शन में। लेकिन अगर आपने लाइट रिएक्शन अब देना, लाइट रिएक्शन नहीं, अब आपने लाइट अनअवेलेबल करा दी, तो लाइट अनअवेलेबल कराने की वजह से यहाँ पर क्या होगा कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये नहीं बनेंगे। तो ये जो प्रोडक्ट्स नहीं बने तो जो डार्क रिएक्शन थी वो भी स्टॉप हो जाएगी थोड़े समय के बाद। थोड़े समय के बाद क्यों, क्योंकि जितना पहले आपने लाइट दी थी थोड़े से ये बन गए, थोड़े से यूज हो गए, अब लाइट नहीं दी तो ये खत्म, ये खत्म, तो ये प्रोसेस भी थोड़े समय बाद बंद हो जाएगा। फिर आप लाइट देंगे तो फिर ये प्रोडक्ट्स बन जाएंगे और फिर ये प्रोडक्ट्स यूज हो जाएंगे डार्क रिएक्शन में। तो ये प्रोसेस इस तरीके से चलेगा। तो लाइट अवेलेबल थी गिवन ड्यूरेशन के लिए, देन मेड अनअवेलेबल, तो उससे जो ये जो प्रोडक्ट्स थे ये नहीं बनेंगे एंड बायोसिंथेटिक प्रोसेस जो है वो लंबे समय के लिए नहीं चल पाएगा, अनलिमिटेड टाइम के लिए नहीं चल पाएगा, सिर्फ थोड़े समय के लिए चलेगा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, विल स्टॉप इमिजिएटली तो नहीं, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट्स पहले बने थे, क्यों बने थे, क्योंकि पहले तो लाइट दी थी थोड़े समय के लिए, तो इसीलिए। तो इट विल कंटिन्यू फॉर शॉर्टर ड्यूरेशन, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी।